हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एलएस रेसिपीज एंड हेल्थ टिप्स। मैं जो आज आप लोगों के पास रेसिपी लेके आया हूँ वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। और ये जब हम मसाला यूज़ करते हैं, जो बालूची टिक्का मसाला है, और जब हम बालूची टिक्का मसाला बनाते हैं चिकन का, तब हम ये मसाले को यूज़ करते हैं। इसको बनाने के लिए तो हमको क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी, आप नोट डाउन कर लीजिए। हमको ज़रूरत पड़ेगी ये खड़ा धनिया की, ये करीबन 4 टेबल स्पून खड़ा धनिया है। तकरीबन 4 टेबल स्पून आपको जीरा है। क्या करना, आप लो फ्लेम में हल्का हल्का दोनों को भूंज लेना, सूखे धनिया को भी भूंज लेना और जीरे को भी। मैंने भूंज के रख लिया है और इसको क्या करना, हल्का हल्का पीस लेना मिक्सी ग्राइंडर में, पूरा फाइन पाउडर नहीं बनाना, ये बात का ध्यान रखना दोस्तों। और इसको बनाने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी कुटी हुई लाल मिर्च की, ये करीबन 4 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। इसको बनाने की जरूरत पड़ेगी हमको काली मिर्च की, ये करीबन 1 टेबल स्पून काली मिर्च है। और हमको ज़रूरत पड़ेगी चाट मसाला की, ये 1 टेबल स्पून चाट मसाला है। और ये हम 1 टेबल स्पून गरम मसाला है, या तो आप टिक्का मसाला जो मिलता है तंदूरी टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला वो यूज़ कर लेना, या गरम मसाला यूज़ कर लेना। और हमको ज़रूरत पड़ेगी अमचूरन की मैंगो पाउडर, और हमको करीबन 1/2 टेबल स्पून आपको ब्लैक सॉल्ट है की ज़रूरत पड़ेगी। और ये 2 से 2.5 चम्मच कस्तूरी मेथी है, इसको भी तो जब आप यूज़ करने लगेंगे तो हल्का हल्का भूंज लेना। मैंने भी इसको लो फ्लेम में हल्का हल्का भूंज के रखा हुआ है। आपको क्या करना है, सारे मसाले हम क्या करेंगे मिक्स कर लेंगे। ये हमारा खड़ा धनिया और जीरा है जो हमने हल्का हल्का पीस लिया था, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला, अमचूरन पाउडर, गरम मसाला, काला नमक और कस्तूरी मेथी। ये हमारा बालूची टिक्का मसाला बन के तैयार है। इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद कर लेना, और कम से कम 1 किलो में ये 2.5 से 3 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट वीडियो। आप ये रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।